हेलो एवरीवन, एज़ यू ऑल नो वी हैव कंप्लीटेड लेसन 1 एंड 2 एंड सम पार्ट ऑफ लेसन 6 आल्सो। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द लेसन 6। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन को देखता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा अपने को उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक नंबर है 81, तो 81 को क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। तो 81 का स्क्वायर कैसे होगा, 81 इंटू 81। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे अपने को यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू मिलेगी तो उसके सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर भी दिए हुए हैं, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो तरीका को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर 81 है, 81 का स्क्वायर करने के बाद इसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा वो अपने को फाइंड करना है। तो उसके लिए एक तरीका है कि नंबर कितना भी बड़ा हो आपको क्या करना है, केवल उसका यूनिट डिजिट ले लेना है। यूनिट डिजिट लेने के बाद उसको स्क्वायर करना है। जैसे 1 ले लिया हम और 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। मतलब 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 52698, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट निकालेंगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा। तो नंबर कितना भी बड़ा हो उसके लिए जो ट्रिक है वो अपनाना है अपने को, सबसे जो लास्ट में डिजिट है आप उसको लेना है, लेने के बाद उसका स्क्वायर करना है। तो जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो 64 का यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो ये 4 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1057, ये जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपको इसका रीज़न देना है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। तो रीज़न कैसे देंगे, उसके लिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे हम नंबर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का लेंगे तो 100 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम 11 का लेते हैं, 11 121, 12 का 144, 13 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 एंड 20 400, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर हम कितने भी नंबर्स ले लेते हैं और उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसके स्क्वायर पे के लास्ट डिजिट पे कभी भी आपको 2 3 7 8 ये नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से नंबर, 2 3 7 8, ये आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे फाइंड नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं तो ज़ीरो आप देखिएगा, ज़ीरो कभी भी अगर आपको मिलेगा तो वो आपको डबल मिलेगा, ठीक है। जब भी मिलेगा आपको डबल या इवन नंबर में मिलेगा। जैसे 2 मिल सकता है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 30 मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट है 1057। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर ये आ रहा है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अगर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 1057, इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है, 7 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं 2, 3, 4, 5, 3, इसके लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 अगर आ रहा है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस यही रीज़न आपको लिखना है, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीड करता हूँ यहाँ पे। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं वो किसी किसी के स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर हैं तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्क्वायर ऑड नंबर का है, ठीक है। आपको ये देखना है कि कौन सा स्क्वायर ऑड नंबर का है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑड नंबर्स ले लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं ले लेता हूँ, मैं 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। एक और ऑड नंबर ले लेते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। कुछ इवन नंबर को ले लेते हैं, जैसे इवन 8 का स्क्वायर 64। और अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर हम कोई ऑड नंबर लेते हैं तो ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है अपने को, ऑड मिल रहा है हमेशा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। वैसे ही अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इवन नंबर ही मिलेगा, 8 का 64, 12 का 144। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन मिलेगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि ये जो स्क्वायर है वो इनमें से कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 431, 431 इवन है कि ऑड है, अब वन देखिए लास्ट में, ये क्या है, ऑड। तो ये फर्स्ट वाला ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। सेकंड वाला देखते हैं, 2826, ये तो इवन है मतलब ये नहीं होगा। 7779, ये भी ऑड नंबर का होगा। और यहाँ पे 82004, ये इवन है मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट, मतलब यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को आपको समझना है, ठीक है। ये कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, बस एक सिंपल सा रीजनिंग क्वेश्चन है। आपको पैटर्न को समझना है और जो मिसिंग डिजिट्स हैं वहाँ पे आपको उसको फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, तो स्टार्टिंग के जो 3 लाइन्स दिए हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या दिया है, 11, 11 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 121। अब नेक्स्ट कितना है, 101, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10201। उसके बाद एक और नंबर है 1001, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1002001। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न क्या बन रहा है, 11 में हमने क्या किया, एक ज़ीरो इंसर्ट किया, एक ज़ीरो इंसर्ट किया तो यहाँ पे 20 आ गए, एक 2 के लेफ्ट में और एक 2 के राइट में। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 20s को इंसर्ट करेंगे तो 20s लेफ्ट में आएंगे और 20s राइट में आ रहे हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40s को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, 4 times 0 लिखना है आपको और 4 times 0 आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है, कितने जीरोस दिए हुए हैं यहाँ पे, 360 दिए हैं। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में 1, फिर उसके बाद 6 times आपको 0 लिखना है, 5, 6, उसके बाद यहाँ लिखना है 2, उसके बाद फिर से 6 times 0, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में 1। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पैटर्न वाले क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको स्टार्टिंग के जो 2-3 लाइन दिए हैं उसको आपको केवल समझना है और समझने के बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, अगर कहीं पे भी कुछ डाउट जाएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है।